इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में चेन्नई सुपर किंग के लिए अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। दरअसल आईपीएल 2022 के आगाज से ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया और टीम की कमान रविंद्र जडेजा के हाथों में सौंप दी। दरअसल सीएसके को अपने पहले 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। सीएसके के लिए खेल चुके टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद निशाना साधते हुए कहा कि अभी भी ऐसा लगता है कि धोनी ही कप्तानी कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि रविंद्र जडेजा को स्टैंड लेना चाहिए। दरअसल एक बातचीत के दौरान भज्जी ने कहा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि महेंद्र सिंह धोनी अभी भी सीएसके के कप्तान है। जब मैं जडेजा की ओर देखता हूं, तो वो रिंग के बाहर फील्डिंग कर रहे होते हैं। ऐसा करते हुए मैच में आप काफी सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने फील्ड सेट करने और बाकी रणनीति का सिरदर्द धोनी को दे दिया है। वहीं भज्जी ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि फील्ड सेटिंग के नाम पर उन्होंने अपना कुछ बोझ महेंद्र सिंह धोनी पर ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि जडेजा काफी कॉन्फिडेंट खिलाड़ी हैं, चाहे बात बैटिंग की हो या फिर बॉलिंग की, उनके स्किल सेट का कोई मैच नहीं है। टीम से प्रदर्शन कराने के लिए उन्हें स्टैंड लेना होगा। खैर दोस्तों, हरभजन सिंह के बयान को लेकर आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।